LIC की जीवन सरल इस पॉलिसी को लेकर कई सारे लोगों के मन में गलत फहमियां हैं, और उन गलत फहमियों की वजह ये थी कि दूसरी पॉलिसीज की ऑपोजिट जीवन सरल पॉलिसी को बहुत ही सिंपल बनाया था। और क्योंकि हमने इस जीवन सरल को भी पहले जैसी पॉलिसीज की तरह ही ट्रीट किया, जिस वजह से ये पॉलिसी गलत फहमियों का शिकार बन गई और बहुत सारे लोगों ने ली हुई एक अच्छी पॉलिसी को भी सरेंडर कर दिया। आज हमारे साथ में एक बार फिर से जिग्नेश डावलिया है, जो कि एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर है और मुंबई से अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज को करते हैं। जिग्नेश जी, आज हमारी सरल जीवन इस पॉलिसी के बारे में जो गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, तो चलिए सुनते हैं जिग्नेश डावलिया को। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीवन सरल, LIC का जीवन सरल प्लान, जो आज मार्केट में काफी कॉन्ट्रावर्सी है। काफी क्लाइंट्स ने, काफी LIC पॉलिसी होल्डर ने ये प्लान को लिया हुआ है, लेकिन आप सबसे बड़े ट्रॉमा में है कि ये प्लान को मैं कंटिन्यू रखू कि ये प्लान को मैं डिसकंटिन्यू रखू। काफी फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी है जो आज बता रहे हैं ये प्लान को आप डिसकंटिन्यू रखो, डिसकंटिन्यू कर दो और दूसरा प्लान में आप शिफ्ट हो जाओ। तो आज जो जो मार्केट में जीवन सरल को लेके कॉन्ट्रावर्सी चल रही है कि वाकई में जीवन सरल प्लान आपको फायदा करवाएगा कि जीवन सरल प्लान आपको नुकसान करवाएगा, ये वीडियो के अंत तक आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सो लेट बिगिन दिस वीडियो, थैंक यू। अभी जीवन सरल प्लान नाम ही है कि काफी सरल प्लान होना चाहिए समझने के लिए, लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये प्लान का नाम सिर्फ जीवन सरल है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको मैंने बहुत सिंपल वे में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे को क्या रिटर्न छूटने वाला है ये प्लान में, ये समझने के लिए ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसके पहले ये समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। सो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं दो लोगों का एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले हम एंडोमेंट प्लान को समझेंगे जो LIC का रेगुलर प्लान है, उसके बाद में लेके जाऊंगा जीवन सरल प्लान पे। सो एंडोमेंट प्लान में दो आदमी, मिस्टर महेश एंड मिस्टर अमर, ये दो जन है। मिस्टर अमर का एज है 30 और मिस्टर महेश का एज है 40। सो ये दोनों प्लान में 25-25 लाख का पॉलिसी दोनों जन एंडोमेंट प्लान में लेते हैं, 20 साल का पॉलिसी का ड्यूरेशन। अगर अमर जो है वो छोटा है, यानी 30 की एज का है, जिसका 25 लाख का प्रीमियम तकरीबन 1,21,000 रुपीज आता है, और जहां पे अमर जो है, महेश जो है, महेश थोड़ा बड़ा है, तो वहां पे उसका प्रीमियम 1,26,500 तकरीबन आता है। यानी यहाँ पे हमने देखा कि जिसका एज बड़ा है उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें मोर्टालिटी चार्ज इन्वॉल्व होता है कि 30 की एज में डेथ प्रोबेबिलिटी कम रहता है, 40 की एज में डेथ प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू 30 थोड़ा ज्यादा होता है, इसके लिए मोर्टालिटी चार्ज डिफरेंट आता है, तो दोनों का प्रीमियम यहाँ पे डिफरेंट आएगा। लेकिन दोनों का 20 साल के बाद मैच्योरिटी दोनों सिमिलर आएगा, क्योंकि मैच्योरिटी टाइम में एंडोमेंट प्लान में हमको क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले हमको मिलता है जो सम इंश्योर्ड होता है, उसके बाद हमको मिलता है जो रिवाइजनरी बोनस होता है, और उसके बाद जो मिलता है वो फाइनल एडिशन बोनस यहाँ पे मिलता है। यानी ये तीनों तीन चीज का टोटल जो होता है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमको मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जीवन सरल प्लान में कैसे होता है। तो मिस्टर अमर 30 की एज में जीवन सरल लेता है, मिस्टर महेश 40 की एज में जीवन सरल लेता है, दोनों 25-25 लाख का लेते हैं, तो दोनों का 10,000 रुपया मंथली प्रीमियम आता है। यानी जीवन सरल का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जितना भी आप मंथली प्रीमियम लोगे उसका 250 टाइम्स आपको डेथ रिस्क कवर मिलेगा, यानी कि 25 लाख का डेथ रिस्क कवर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है, दोनों का मैच्योरिटी डिफर आएगा। अगर रिस्क कवर दोनों का सेम प्रीमियम में सेम है तो मैच्योरिटी डेफिनेटली डिफर आएगा, क्योंकि दोनों एज का मोर्टालिटी चार्ज डिफरेंट है। तो मार्केट में लोगों ने समझने में सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि यहाँ पे मैच्योरिटी में भी हमको सम इंश्योर मिलेगा, लेकिन जीवन सरल की मैच्योरिटी में सम इंश्योर नहीं मिलता है। जीवन सरल की पॉलिसी में दोनों का एज डिफरेंट है, तो दोनों का मैच्योरिटी सम इंश्योर्ड बोल के कॉन्सेप्ट है,
तो दोनों का मैच्योरिटी सम इंश्योर भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा डिपेंडिंग अपॉन द एज। यानी कि ये मैं बोलना चाहता हूं कि मान लो 20 की एज में किसी ने 25 लाख का पॉलिसी लिया और 10,000 मंथली प्रीमियम भरा, तो 55 की एज में भी 25 लाख के पॉलिसी पे 10,000 मंथली प्रीमियम ही आएगा। लेकिन दोनों का मैच्योरिटी सेम नहीं आ सकता है क्योंकि दोनों का एज डिफरेंट है, दोनों का मोर्टालिटी रेट्स डिफरेंट है, दोनों का डेथ प्रोबेबिलिटी वो पर्टिकुलर एज में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो दोनों का मैच्योरिटी सेम नहीं होएगा। यानी कि जब भी मैं एक्सेल में IRR निकालूंगा तो दोनों का IRR डिफरेंट डिफरेंट आएगा क्योंकि दोनों का मैच्योरिटी डिफरेंट है। लेकिन मार्केट ने क्या सोचा कि 55 की एज में भी हमको 8% 9% 10% 7% रिटर्न आएगा, लेकिन वो आ नहीं सकता है क्योंकि मोर्टालिटी चार्ज वहां पे लगना है। अगर किसी ने भी 45 की एज के नीचे अगर ये पॉलिसी बाय किया होता है तो तकरीबन मैंने गिना हुआ है कि आज वो पॉलिसी को 14-15 ईयर्स हो चुके हैं और ऑलरेडी लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर हो चुका है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो वहां पे देखते हैं कि जितना ज्यादा लंबा पॉलिसी होता है उतना लॉयल्टी एडिशन बढ़ते जाता है। अगर किसी ने पॉलिसी लिया हुआ है जो 15 साल का पॉलिसी, 15 साल उसको हो चुका है तो 655 लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर हो चुका है और 18 ईयर्स पे 790 लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर हुआ। बोनस में क्या होता है, एवरी ईयर बोनस डिक्लेयर होता है, यहाँ पे लमसम लॉयल्टी एडिशन एट द एंड ऑफ द 10th ईयर 11th ईयर 15th ईयर डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता था, क्यों लॉयल्टी एडिशन LIC ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि एवरी ईयर जब भी LIC बोनस डिक्लेयर करती है एंडोमेंट प्लान में तो वहां पे वो बोनस का अमाउंट है वो रिवाइजनरी बोनस है, तो कस्टमर के अकाउंट में रिवाइजनरी बोनस जमा करना पड़ता है। यानी कि कस्टमर के हाथ में तो वो बोनस नहीं आने वाला है, कागज पे लिख के देंगे आपको कि आपका कितना बोनस जमा हुआ है, लेकिन वो बोनस कभी मिलेगा, एट द टाइम ऑफ डेथ मिलेगा या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा, तो ये बोनस जाएगा कहां। बोनस इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। तो ये बोनस कहां जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, तो वो बोनस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है मनी मार्केट का इंटरेस्ट देती है जो तकरीबन 3% 4% 5% से ज्यादा नहीं है, लेकिन LIC का कैपेसिटी है उससे ज्यादा रिटर्न्स कमाने का इक्विटी मार्केट्स में डेब्ट मार्केट में, क्योंकि पूरा पैसा जो डेब्ट मार्केट का है वो LIC का सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मेजोरिटी फंड रोट होता है और उसका एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न अबाउट 8.5% है, तो यहाँ पे उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। तो LIC ने क्या किया कि एवरी ईयर बोनस डिक्लेयर करने की जगह पे 10 साल का एक्यूमुलेशन और 10 साल के बाद एक साथ लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर किया। यानी LIC ने 2004 में जो कमाया था उसके ऊपर जो बोनस डिक्लेयर करना पड़ता था अपनी बुक से निकाल तो उसके ऊपर भी कमाएगा, उसके ऊपर भी कमाएगा। तो एक्चुअली ने तभी बताया था कि नॉर्मल अगर एंडोमेंट प्लान लेते हो 15 साल के बाद 16 साल के बाद तो यहाँ पे जीवन सरल में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है अगर प्रीमियम को आपने मैच किया है तो, एंडोमेंट का प्रीमियम को मैच किया और इसका प्रीमियम को मैच किया तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो यहाँ पे जीवन सरल पॉलिसी सर जो 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 लोगों का है आज के दिन में वो आपका रिव्यू कीजिए, बोनस लॉयल्टी एडिशन के साथ कैलकुलेट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपको जो जो रिटर्न आप LIC ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डेफिनेटली आपको मिल रहा है। फिर भी आपको अगर कोई ये प्लान को लेकर दिक्कत है तो आप मेरे मेल आईडी पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं, तो सारा कैलकुलेशन मैं आपको करके दे सकता हूं कि आपका क्या क्या रिटर्न छूट रहा है। लेकिन मोटा मोटा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मेरी खुद की पॉलिसी भी है जीवन सरल में, तो मैंने मेरी पॉलिसी पे मैं कैलकुलेट किया हुआ है तो तकरीबन 8% रिटर्न टैक्स फ्री रिटर्न मेरे को छूट रहा है जो आज के मार्केट में फैंटास्टिक रिटर्न माना जाता है। पोस्ट टैक्स अगर मैं उसको गिनूं तो तकरीबन 11% रिटर्न मेरे को छूट रहा है, सो आज के मार्केट में फैंटास्टिक रिटर्न गिना जाता है। और सबसे बढ़िया यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये पॉलिसी को अगर मैंने ओपन लिया है 35 ईयर्स का लिया हुआ है
ओपन लिया हुआ है, तो मैं कभी भी ये पॉलिसी को मैच्योर करवा सकता हूँ मेरी नीड के लिए। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये पॉलिसी को किसी के कहने पे बंद मत कीजिए, ये पॉलिसी को आप कंटिन्यू रखिए। अगर बिलो 45 अगर आपने ये पॉलिसी ली है, जब ये पॉलिसी लेते थे तभी आपकी एज बिलो 45 थी, तो डेफिनेटली आप ये पॉलिसी को कंटिन्यू रखिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपको। और LIC के साथ आप बरकरार हैं। अच्छा, ये वीडियो के लिए ना मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मेरे को LIC कोई पैसा देने वाली है, लेकिन मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ और काफी 22-23 साल से इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, और मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि काफी लोग किसी के कहने पर ये अच्छा प्लान बंद कर रहे हैं। मेरी आपसे यही एडवाइस है और गुजारिश है, इतना अच्छा प्लान को आप बंद मत कीजिए, आप अपने हिसाब से रिव्यू कीजिए, आप लॉयल्टी एडिशन को कैलकुलेट कीजिए, मैच्योरिटी एडिशन को, आप मैच्योरिटी सम इंश्योर को आप देख लीजिए, और एक्सेल में डाल के आप रिटर्न्स को कैलकुलेट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन सरल पॉलिसी काफी में समझने के लिए भी सरल है और कैलकुलेशन के लिए भी सरल है। हमको किसी के ऊपर निर्भर रहने का जरूरत नहीं है। फिर भी ना समझे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी डाला हुआ है, आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली ईमेल पे रिवर्ट करूंगा कि जीवन सरल पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, आपको कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फ्रेंड्स, एंड विश यू अ ग्रेट हेल्थ इन दिस करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच। आई होप सरल जीवन इस पॉलिसी को लेकर आपके मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। जिग्नेश जी की बातें जो मुझे समझ में आई वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि दूसरी पॉलिसीज में एज कम होती है तो प्रीमियम कम होता है, एज ज्यादा होती है तो प्रीमियम ज्यादा होता है, लेकिन इस सरल जीवन पॉलिसी में सारे ही एज वालों के लिए प्रीमियम सेम था। देखिए ये बात समझने वाली है, सारे ही एज वालों के लिए प्रीमियम सेम था। इसका मतलब 20 साल के लड़के के लिए 1,00,000 सम इंश्योर्ड का जो प्रीमियम है, सेम प्रीमियम 60 साल के इंसान का भी 1,00,000 के सम इंश्योर्ड के लिए होगा। लेकिन क्योंकि इस प्रीमियम में मॉर्टेलिटी चार्जेस सबका अलग अलग था, इसीलिए मैच्योरिटी वैल्यू सबकी अलग अलग बनेगी, यानी कि ज्यादा एज वाले के लिए इसमें रिटर्न कम छूटेगा क्योंकि मॉर्टेलिटी चार्जेस ज्यादा है, और कम एज वाले के लिए इसमें रिटर्न अच्छा छूटेगा क्योंकि मॉर्टेलिटी चार्जेस कम है। तो इस समझ के साथ अगर आप इस पॉलिसी को रखते हैं तो ये पॉलिसी आपको बहुत पसंद आएगी। जिग्नेश जी, सरल जीवन इस पॉलिसी पर हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, BATV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BATV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BATV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।